सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भूतशाला परिसर में साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पुरातन भूतशाला पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी दावा करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एएसआई सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई फैसला ना लिया जाए। हिंदू भूतशाला को बाग देवी का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 11वीं सदी के इस परिसर को पुरातत्व धरोहर माना जाता है। एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक व्यवस्था बनाई थी, जिसके तहत हर मंगलवार को हिंदू यहां आकर पूजा करते हैं, वहीं शुक्रवार को मुस्लिम यहां नमाज पढ़ते हैं। मौलाना कमलुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के 11 मार्च के साइंटिफिक सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की बेंच ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। बेंच ने कहा है कि 4 हफ्ते में जवाब के लिए नोटिस जारी किया जाए। सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई फैसला ना लिया जाए। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि विवादित परिसर में ऐसी कोई भौतिक खुदाई नहीं होगी जिससे उस परिसर का चरित्र बदलता हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भूतशाला में सोमवार को 11वें दिन भी सर्वेक्षण जारी रहा। वरिष्ठ एएसआई अधिकारी सुबह 7:55 पर विवादित स्थल पहुंचे। पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले रखी हैं। सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भूतशाला लंबे समय से विवाद में रही है। करीब 800 साल पुराने इस भूतशाला को लेकर हिंदू मुस्लिम मतभेद हैं। हिंदुओं के अनुसार भूतशाला यानी सरस्वती का मंदिर है। मुस्लिम इसे पुरानी इबादत गाह मानते हैं। हिंदू संगठन के लोग बताते हैं कि धार की ऐतिहासिक भूतशाला उसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती सदन है। यहाँ कभी 1000 साल पहले शिक्षा का एक बड़ा संस्थान हुआ करता था। बाद में यहाँ पर राजवंश काल में मुस्लिम समाज को नमाज के लिए अनुमति दी गई, क्योंकि ये इमारत अनुपयोगी पड़ी थी। पास में सूफी संत कमाल मौलाना की दरगाह है। ऐसे में लंबे समय से मुस्लिम समाज में नमाज अदा करने का कार्य करते रहे। परिणाम स्वरूप पर दावा करते हैं कि ये भूतशाला नहीं बल्कि कमाल मौलाना की दरगाह है। हिंदू समाज ये दावा करता है कि ये दरगाह नहीं बल्कि राजा भोज के काल में स्थापित सरस्वती सदन भूतशाला है। इतिहास में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ से अंग्रेज माँ सरस्वती की प्रतिमा निकाल कर ले गए हैं, जो कि वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित भी है। विवाद की शुरुआत 1902 से बताई जाती है, जब धार के शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुद देखे थे और इसे भूतशाला बताया था। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया, जब धार महाराज ने इमारत के बाहर तख्ती टंगवाई जिस पर भूतशाला और मस्जिद कमाल मौलाना लिखा था। आज़ादी के बाद ये मुद्दा सियासी गलियारों से भी गुजरा। मंदिर में जाने को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया। जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ होते हैं, तब तब तनाव बढ़ता है। विवादों के चलते ही इस इलाके की अयोध्या भी कहा जाता है।